नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 16 नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है वो यूथनेशिया के बारे में। ये हमारी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका नाम क्या है, चंद्रचूड़ जी इनका नाम है। तो इन्होंने अपने आखिरी दिन, अभी इनका वो रिटायरमेंट होने वाला है, हमारे 91वीं नए जज कौन से बनने वाले हैं इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ठीक है, अब वो जज बनने वाले, तो इनका ये आखिरी दिन था, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब फैसला क्या दिया है, इन्होंने फैसला दिया है यूथनेशिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूथनेशिया होता क्या है। देखो, यूथनेशिया वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, एक होता है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, एक्टिव यूथनेशिया में अगर किसी व्यक्ति को, यूथनेशिया का मतलब बात होता है इच्छा मृत्यु, ठीक है, इच्छा मृत्यु, किसी व्यक्ति को स्वयं को अपनी इच्छा से मरना हो तो उसे यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु कहा जाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, व्यक्ति को, जैसे कि कोई व्यक्ति है ये लंबे समय से बीमार पड़ा है, अब ये ऐसे नहीं मर रहा है तो बाहर से कोई इंजेक्शन दिया जाएगा, कोई ड्रग्स दिया जाएगा जिससे इसकी मौत हो जाए, तो इसे कहा जाता है एक्टिव यूथनेशिया, यानी कि बाहर से कोई इंजेक्शन के द्वारा इसे मारा जाता है। दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया, इसमें बाहर से कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, कोई व्यक्ति है ना, वो किस पे जी रहा है, दवाइयों पे जी रहा है, अलग अलग प्रकार की उसको मेडिसिन दी जा रही है जिस पे ये जिंदा है, यानी लाइफ सिस्टम इस पे है, सपोर्ट सिस्टम है, उसके द्वारा ही जिंदा है। अब ये जो सिस्टम है ना, इसको हटा दिया जाएगा तो इस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो एक्टिव यूथनेशिया में किसी व्यक्ति को बाहर से इंजेक्शन के द्वारा मारा जाता है, और पैसिव यूथनेशिया में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसको हटा दिया जाता है, इसे पैसिव यूथनेशिया कहा जाता है। ये दो प्रकार की यूथनेशिया आपको समझ में आ गया। अब ये जो एक्टिव यूथनेशिया है ना, ये मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में बैन है, जैसे इंडिया में ये नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा देशों में ये बैन है। कुछ कुछ देश जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्य है, USA है, वहाँ पर ये एक्टिव यूथनेशिया है, और पैसिव है वो काफ़ी ज़्यादा देशों में देखने को मिलता है। 2018 में भारत में भी एक जजमेंट दी गई थी जिसमें भारत में भी ये अलाउ कर दिया गया था, लेकिन ये रेयर केस में ही यूज़ किया जाता है। अब ये इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव के बारे में तो देख लिया है, बट कुछ लोग इसके खिलाफ है, कुछ लोग कहते हैं कि एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया होना ही चाहिए, हालांकि एक्टिव तो है ही नहीं बट ये पैसिव है, ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं इसके खिलाफ वाले लोग क्या कहते हैं। खिलाफ वाले लोग कहते हैं, पहले तो ये हमारे जो कल्चर है उसके खिलाफ है, हमारी जो संस्कृति है उसके खिलाफ है, मतलब किसी का जो मरना है, आत्महत्या है, वो गलत मानी जाती है हमारे धर्म में, तो उसके लिए गलत माना जाता है। दूसरा, उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि उसे मारा जा रहा है, इसलिए भी उसको अगर मारा जा रहा है तो वो तो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बता पाए कि मुझे जीना है या मरना है, तो वे भी गलत माना जाता है। अब इसका लोग सपोर्ट क्यों करते हैं, सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना है कि देखो, ये रिसोर्सेज का बर्डन है, कोई व्यक्ति है वो इस पर पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जी रहा है, मेडिसिन से जी रहा है, तो ये रिसोर्सेज का बर्डन है तो उसे मर जाना चाहिए। साथ ही साथ में लाइफ है वो एक डिग्निटीपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जीवन है वो गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है, लेकिन अगर वो बीमार है, इस प्रकार से जी रहा है, तो उससे बेटर उसको मर ही जाना चाहिए। इसलिए भी कुछ लोग है वो पैसिव यूथनेशिया का सपोर्ट करते हैं, ये लिए अलग अलग है, वो लोग अलग अलग तरह अपने देते हैं। अब इस मुद्दे को देख लेते हैं, तो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने अपने कार्यकाल लेके आखिर के दिन था उसमें फैसला सुनाया। इसमें जो वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है, ऐसी स्टेट होती है जहाँ व्यक्ति है वो मरने की अवस्था में, यानी कि वो उसकी सांसें तो चल रही है लेकिन वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहा, उसे वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। तो ऐसी स्टेट में था तो उस व्यक्ति के ने, उसकी माता पिता ने कहा था कि हमारे बेटे को वो यूथनेशिया की जो परमिशन दे दो और इसे मरने की वो छूट दे दो, बट इन्होंने कहा है कि इसे मरने की छूट नहीं दी जानी चाहिए, ये 30 वर्ष का व्यक्ति था, ये अपने लिए काम की चीज़ें हैं नहीं। बट हम देख लेते हैं वेजिटेटिव स्टेट का, हमने देख लिया ऐसी स्टेट है जहाँ व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है बट कुछ महसूस नहीं कर पाता, इसे वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। यूथनेशिया की मांग को, इच्छा मृत्यु की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो व्यक्ति है इसकी देखभाल है वो राज्य करेगा, यानी गवर्नमेंट उसके पैसे उठाएगा, उसके खर्च उठाएगा, तो इसलिए मरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर गवर्नमेंट उसके खर्च उठाएगी तो उसके जो माता पिता था उन्होंने भी जो अपनी अपील है ना, अपनी जो दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में फाइल, वो भी वापस ले ली उन्होंने, अपनी शिकायत थी वो वापस ले ली, अपनी कंप्लेन वापस ले ली कि हमारे बेटे को अगर आप कम उठा रहे हो, खर्चा आप उठा रहे हो तो हम क्यों मरें, तो इसके लिए वापस ले लिए। तो हमने ये चीज़ देख ली है, ठीक है। अब अदालत का हस्तक्षेप आया, उन्होंने कहा सरकार को निर्देश दिया कि वो मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि आसपास में जो भी सपोर्टिव सिस्टम है
वो प्रोवाइड की जाएगी। परिवार ने भी अपनी जो पेशकश की थी, स्वीकार याचिका थी, वापस ले लिए। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। भारत में अगर यूथनेशिया के बारे में बात कर लें तो एक्टिव यूथनेशिया भारत में अलाउ नहीं है। पैसिव यूथनेशिया वो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वहाँ पर पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया था, लेकिन वो है वो रेयर केस में ही देखा जा सकता है पैसिव यूथनेशिया भी। ठीक है, ये चीज़ देखा है। फिर अपने वे फॉरवर्ड को देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड की बात करें तो कानूनी ढांचा, मतलब जो हमारा जो कानूनी ढांचा है वो स्ट्रांग होना चाहिए। यूथनेशिया के बारे में जो रूल है वो स्ट्रांग होना चाहिए और जो रूल है वो फिक्स होने चाहिए, सुसंगत और स्पष्ट रूल होने चाहिए। यानी जो दिशा निर्देश है वो पहले से तय कर दिए जाने चाहिए ताकि कोई भी लोग हैं वो इससे प्रभावित ना हो और किसी पर बेफिक्र असर ना पड़े इसका, ताकि है ना, मतलब क्या होता है कि कोई भी रूल जब स्पष्ट नहीं होते हैं ना तो इसका असर देखने को मिलता है। तो रूल अगर स्पष्ट होंगे, दिशा निर्देश पहले से तैयार होंगे, तो जो मरीज है उस पर संवेदनशील प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अच्छे से फैसला ले पाएगा। साथ ही साथ में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी विस्तार किया जाए। अभी इसको क्यों फैसला लिया था इसके माता पिता ने, इसलिए लिया था कि उस पर पैसे का बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। अगर ये हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है, उसमें पैसे कम खर्च हो रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। वित्तीय बोझ कम हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहेगा। फिर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि जो भी इच्छा मृत्यु है वो रेयर कंडीशन में होनी चाहिए, हर व्यक्ति को बिना किसी वजह से, ऐसा नहीं कि थोड़ा भी मार पड़े मार दें, ये सब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम ये देख चुके हैं सक्रिय यानी कि एक्टिव यूथनेशिया और निष्क्रिय यानी पैसिव यूथनेशिया। इन दोनों टाइप को हम देख चुके हैं। एक में बाहर की जो जीवन समाप्त होता है वो किसी पदार्थ को देके, इंजेक्शन वगैरह देके उसको मार दिया जाता है, वो सक्रिय यूथनेशिया है। दूसरा निष्क्रिय पैसिव है, उसमें जो इसमें जो चिकित्सा दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है, वो है निष्क्रिय यानी पैसिव यूथनेशिया। इनको देख चुके हैं। अब आर्ग्यूमेंट फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मतलब इसके पक्ष में आर्ग्यूमेंट क्या क्या है। व्यक्ति को अपनी खुद की चॉइस है, वो चाहे तो जी सकता है चाहे तो मर सकता है। क्वालिटीफुल लाइफ जीने का अधिकार है, डिग्निटी है उसकी, रिसोर्सेज का बर्डन है उस पर, ह्यूमन का मतलब ह्यूमन का अधिकार है, उनके जो लव्ड वन है वो परेशान हो रहे हैं, तो ये सब है वो आर्ग्यूमेंट पक्ष में दिए जाते हैं। इस आर्ग्यूमेंट को आप याद रख सकते हो। इसके अगेंस्ट मार्ग आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है, हमारे मॉरल वैल्यूज़ है, हमारे रिलीजियस आर्ग्यूमेंट है, वो सुसाइड है उसको अपराध मानते हैं। साथ ही साथ में पेशेंट है उसके साथ में कैसा बिहेव होगा कि उसे रिसोर्सेज का कह के मार दिया जा रहा, तो वो भी गलत है, उसको गिल्ट भी महसूस होगा, सप्लाई स्लॉप भी होगा, रेगुलेटेशन भी होता है कि कैसे भी मार दिया जा रहा, किसी को पता ही नहीं क्यों मार दिया जा रहा, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब देखो बाद में इस प्रकार से केस आया था, ये सारा के मामला चला है और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, तो ये पूरा देख दिए रखा है इसमें। तो ये चीज़ आपको देखने की जरूरत है, थोड़ा बहुत है। अगर इसमें मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम में तो आएगा नहीं, मेंस में आएगा तो आप इस जितने पॉइंट हमने देखे हैं उससे आप मेंस का आंसर दे सकते हो। हमने फेवर में आर्ग्यूमेंट दे दिया है, इसके खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट दे दिया है, पैसिव को देख लिया है, एक्टिव को देख लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लिया, ये सारी चीज़ें देख लिए, तो हम आपका मेंस का जो आंसर है वो आराम से आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नेपाल के बारे में, नेपाल के जो अभी प्राइम मिनिस्टर है ना, नाम क्या है इनका, नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना याद रखना है मैटर क्या है। तो ये जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, शर्मा इनका नाम है, केपी शर्मा, इन्होंने कहा है भारत से, भारत के प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट की है कि आप है वो नेपाल और भारत के बीच में जो बॉर्डर विवाद है उसे सॉल्व करो। तो ऐसी रिक्वेस्ट इनके द्वारा की गई है, इस पर ये पूरा आर्टिकल आया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेपाल के और भारत के बीच में प्रॉब्लम है क्या। नेपाल और भारत के बीच में ये बाउंड्री है, देखो यहाँ पर तीन जगह प्रॉब्लम चल रही है, ये है काला पानी, ये लिम्पिया दोरा और ये लिपू लेक। यहाँ पर तीन जगह पर भारत और इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ये नेपाल का कहना है ये हमारा भाग है, भारत का कहना है ये हमारा है, ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है। तो नेपाल ने अभी कहा है कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लो, तो ये पॉइंट तो हमारे लिए काम, पहले तो हमने देख लिया। नेपाल का मैप याद रखना, इन जो भी है ना पॉइंट जिन पर विवाद चल रहा है इनको आप याद रखना, ये प्रीलिम में काम में आ सकते हैं कि कहाँ का विवाद चल रहा है और कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कोई रिवर बहरी तो वो आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेपाल और इंडिया के बीच में रिलेशन उनको देख लेते हैं। ये हमारा आईआर का एक टॉपिक है, इंडिया एंड इट्स नेबर, भारत और उसके पड़ोसी देश, तो वहाँ पर ये टॉपिक कवर हो जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हो भारत और नेपाल के बीच में संबंध कैसे है। भारत और नेपाल के बीच में संबंध की बात करें तो यहाँ पर रोटी बेटी का संबंध है, मतलब भारत और नेपाल के बीच में बहुत ही गहन संबंध है। हमारे बीच में एक दूसरे की बेटी की शादी वगैरह की जाती है, तो काफ़ी दोनों के काफ़ी इंटरलिंक संबंध है। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, दोनों के सदियों मतलब ऐतिहासिक संबंध चले आ रहे हैं, दोनों का इतिहास सेम है, भौगोलिक स्थितियाँ सेम है, संस्कृति सेम है, आर्थिक संबंध भी है, ये सारी चीज़ें सेम है। भारत और नेपाल दोनों ही हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, यानी दोनों ही सेम धर्म को साझा करते हैं। साथ ही साथ में भारत और नेपाल के बीच में 1950 में एक ट्रीटी भी हुई थी, ये शांति और मित्रता संधि थी,
ठीक है, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, ये 1950 से चली आ रही है। नेपाल में अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो पहली यात्रा वो भारत की करता है, तो इसलिए है ना दोनों के संबंध बहुत ही ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। दोनों के बीच में कई नदियाँ हैं जो नेपाल से निकल के भारत में आती हैं, तो कई बारहमासी नदियाँ हैं वो नेपाल से मिलकर भारत में आती है, तो इसलिए ये भी एक संबंध देखने को मिलते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में वाटर डिस्प्यूट भी आ सकते हैं, और वाटर है वो शेयरिंग भी एक दूसरे के मध्य करते हैं, तो ये संबंध में आप पॉइंट लिख सकते हो। साथ ही साथ में व्यापार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में। FDI का सबसे बड़ा स्रोत है वो नेपाल और भारत दोनों आपस में है। भारत में गोरखा रेजिमेंट है ना वो भारत में काम करती है, तो ये दोनों के बीच में सैन्य अभ्यास भी होता है। सैन्य अभ्यास का आप याद नाम रख याद रखना, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, भारत और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज का नाम आपको याद होना चाहिए जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल और भारत के बीच में होती है, तो इसका नाम याद रखना ठीक है। गोरखा रेजिमेंट की भी रहना, ये पॉइंट है छोटे छोटे जो आप मेंस में लिख सकते हो, प्रीलिम में ये सूर्य किरण का यह नाम याद रख सकते हो, यहाँ पर वो आपको काम आ सकता है ठीक है जी। फिर बात करें भारत और नेपाल के बीच में तीन सिस्टर सिटी का समझौता तैयार हुआ। सिस्टर सिटी मतलब भारत की एक सिटी ली जाएगी, एक सिटी नेपाल की ली जाएगी, दोनों को जोड़ा जाएगा, जैसे कि काठमांडू और वाराणसी है, लुम्बिनी बोधगया है, जनकपुर अयोध्या है, ये तीन सिटी है, इनको सिस्टर सिटी के रूप में आपस में जोड़ा जा रहा है। कई बहुपक्षीय साझेदारी है, बहुपक्षीय मतलब मल्टीलेटर जो ग्रुप होते हैं उसमें दोनों शामिल है, जैसे PBIN। PBIN में कौन कौन है, भारत बांग्लादेश नेपाल भूटान, ये PBIN में शामिल है। बिम्सटेक में भी ये शामिल है, साथ ही साथ में ये गुट निरपेक्ष आंदोलन था ना नेम, उसमें भी दोनों देश शामिल है, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सहयोग देखने को मिलता है। सार्क में भी दोनों देश शामिल है। अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं कि इन दोनों के जो संबंध है उनमें चैलेंज क्या क्या देख, दोनों के बीच रिश्तों को लेकर कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना। चाइना है वो नेपाल और इंडिया के बीच में बार बार हस्तक्षेप करता रहता है, इसके साथ साथ दोनों के बीच में बाउंड्री जो सीमा है ना उसको लेके भी बार बार तनाव देखने को मिलता है, तो ये सबसे बड़े इनके बीच में चैलेंज देखने को मिलते हैं। रिसेंट टाइम में देखा गया है कि नेपाल है वो चाइना की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, इनके जो PM बनते पहले भारत आते थे अभी चाइना पहले दौरे पर जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ें दोनों के बीच में देखने को मिलते हैं। ये प्रॉब्लम पहले देखा गया था 2015 में अनऑफिशियल ब्लॉकेट लग गया था, तब से ये प्रॉब्लम देखने को मिल ही रही है। नेपाल कहता है कि इंडिया है वो बिग ब्रदर की तरह रवैया अपनाता है, चीज़ें प्रॉमिस करता है बट डिलीवर नहीं करता है। भारत का कहना है कि नेपाल है वो चाइना के क्लोज जा रहा है, तो ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिल रही है। इन चीज़ों को सॉर्ट करना होगा क्योंकि इन दोनों के रिश्ते हैं ना काफ़ी लंबे समय के से देखने को मिल रहे हैं, ऐतिहासिक रिश्ते हैं, इनको छोटी छोटी बातों को लेकर खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन नेपाल देखो लैंड लॉक कंट्री है, अगर भारत नाराज हो गया तो यहाँ पर ये पूरा है ना ये एरिया इतना ईजी नहीं है, चाइना के लिए इतना एक्सेस है वो ईजी नहीं है, ये पूरा है वो डिपेंडेंट भारत पर ही है, तो इसको अच्छे से रहना होगा, भारत को भी इसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करना होगा, नहीं तो है वो आपस में चलेगा नहीं। तो ये चीज़ें आप मेंस के एंड स्टोर में लिख सकते हो, कैसे इनके बीच में रिश्ते ख़राब है, क्या क्या अच्छी चीज़ है, कैसे सुधार किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, ये चीज़ें तो UPSC के लिए नहीं, बाकी कोई तैयारी कर रहे तो देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। सूर्य किरण अभ्यास है कौन से देश के बीच में होती है, नेपाल के बीच में, ये देख सकते हो आप, क्वेश्चन है ठीक है, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो FCRA एक्ट के बारे में, ये मेंस के प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम में भी कुछ FCRA से रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है। बात करें FCRA एक्ट के बारे में, तो सबसे पहले ये एक्ट कब लाया गया था, 1976 में। देखो क्या होता है FCRA का मतलब क्या होता है, भारत में अलग अलग NGO बने हुए हैं ठीक है, इन NGO को फंड आता कहाँ से, विदेशों से आता है, विदेशों से अलग अलग लोग इनमें फंड देते हैं। अब इनमें फंड तो आता है, इसमें दिक्कत भी होती है। दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि बाहर से अगर फंड आएगा ना तो इस फंड का उपयोग है वो भारत की जो इंटीग्रिटी है, सोवरनिटी है, उसके खिलाफ यूज हो सकता है ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने फंड दे दिया या कोई ऐसा नेशंस है जो ऐसे फंड दे दिया भारत में, बार बार अमेरिका पे ये लगता है कि अमेरिका फंड दे के उस देश की स्थिति को डगमा देता है या वहाँ के लोकतंत्र को खतरे में ला देता है, तो ये अमेरिका पर ये लगते रहते हैं आरोप। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में भी बाहर से फंड आ रहे थे भारत की जो सोवरनिटी इंटीग्रिटी को तोड़ने के लिए, तो ऐसे NGO के पास में फंड आ रहे थे, तो इसके रोकने के लिए 1976 में FCRA एक्ट लाया गया ठीक है। पहले इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोविजन थे नहीं, बाद में धीरे धीरे इसमें संशोधन करते गए और इसमें जो है नए नए संशोधन करके इसे स्ट्रॉन्ग बनाते गए। 2010 में संशोधन हुआ था उसे में स्ट्रॉन्ग बनाए थे, उसमें क्या कहा गया था 3 साल तक कोई भी NGO है, नया NGO बनेगा उसको फंड लेना है
तो 3 साल तक उस एनजीओ को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 3 साल बाद में इसे वापस अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लाइसेंस को आप रिन्यू करवाते हो वैसे इसको भी रिन्यू करवाना होगा। फिर 2020 में फिर से इसे अमाउंट करा गया है, कुछ और नई चीज़ें ऐड करी गई, उसको हम देखेंगे आगे कि 2020 में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है FCRA में। तो आपको सीधी सी बात समझ में आ गई FCRA क्या होता है। FCRA एक एक्ट है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये फुल फॉर्म है। और इसका क्यों लाया गया था, बाकी जो भी NGO वगैरह उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसे लाया गया था। तो FCRA के बारे में देख लिया, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, ये आपको याद रखना है। हिंदी मीडियम आप लिखते हो तो आप ये लिख सकते हो, मेंस में जब आंसर राइटिंग करनी होती है तब आप हिंदी का ये टर्म यूज़ कर सकते हो। तो ये विदेशी जो दान होता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक्ट लाया गया था, और इसी के लिए 1976 में पहली बार इसे अधिनियमित किया गया था, 2010 में इसे संशोधित किया गया था, और उसके बाद में नई नई इसमें चीज़ें ऐड की गई थी। इसके तहत जो भी NGO है उसको पंजीकृत करवाना होगा FCRA के तहत, मतलब जिसको बाहर से फंड लेना है वो FCRA में पहले पंजीकृत करवाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसके बाद में ही वो फंड ले पाएगा, ठीक है। और इसको 5 साल बाद में, 5 साल तक ये है रजिस्ट्रेशन वेद, 5 साल बाद में फिर से उसको रिन्यू करवाना होगा, नवनीकृत करवाना पड़ेगा, और सारे जो मानदंड है, ठीक है, स्टैंडर्ड से उसे फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये FCRA के बारे में कुछ पॉइंट थे। अब इसमें क्या क्या अमेंड किया गया था वो भी थोड़ा देख लेते हैं। नहीं, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए, हाल ही में 2020 में संशोधन हुआ था उसमें कुछ नई नई चीज़ें ऐड की गई थी। तो सरकार का कहना था कि जो FCRA हैं उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको जो NGO के मालिक है उनके द्वारा फुलफिल नहीं किया जा रहा है, और इसमें जो फंड आते हैं, पैसे आते हैं, उनका उपयोग भी जिस इच्छा से लिया जाता है, जिस उद्देश्य से लिया जाता है उसका उपयोग उसके लिए नहीं किया जाता है, ये भारत की सिक्योरिटी के लिए नुकसान है, इसलिए इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। अब संशोधन के बारे में बात करें तो क्या क्या संशोधन इसमें किए गए थे। तो सबसे पहले फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी, यानी कोई NGO है उसने फंड लिया है विदेशों से, अब ये NGO है ना किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे NGO को आगे पैसे नहीं दे सकता है, इस चीज़ पर बैन लगा दी गई, यानी कि इस अधिनियम में फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई। साथ ही साथ में उस जो NGO है ना उसको पैसे लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए इसको एक खाता खोलना पड़ेगा। ये खाता कहाँ खोलना पड़ेगा, ये दिल्ली की एक SBI की ब्रांच है, वहाँ जाके इनको खाता खुलवाना पड़ेगा, और ये जो पैसे है डायरेक्ट इसी ब्रांच में लेने होंगे, इसी बैंक अकाउंट में लेने होंगे, तभी वैध माना जाएगा। इनकी जो जानकारी है, मतलब बैंक में ये जानकारी देनी पड़ेगी कि हमने किससे पैसे लिए हैं, उसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ये भी सारी जानकारी देनी पड़ेगी। आधार कार्ड है उससे लिंक करना पड़ेगा, इस NGO में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका सारा आधार कार्ड है वो लिंक करना पड़ेगा। प्रशासनिक जो व्यय हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, NGO में कितने लोग काम कर रहे हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उन पर भी कमी लगा दी कि 20% उस पर खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस पर खर्च नहीं कर सकते, तो ये सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। इसका कुछ आलोचना भी होते हैं, क्रिटिसिज्म भी होते हैं। क्या क्या क्रिटिसिज्म होते हैं, पहला जो फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है ये गलत चीज़ है, मनमाने ढंग से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया ये भी गलत चीज़ देखने को मिलती है। बैंक खाते एक ही बैंक में है दिल्ली का, वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि कोई NGO है तमिलनाडु में, बार बार वो दिल्ली नहीं आएगा, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। संचालन वो आसानी है, तार्किक है, मतलब ये अतार्किक है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये सारे इसके खिलाफ आलोचना की जाती है। तो इस पॉइंट को आप कुछ पॉइंट को याद रख सकते हो, ठीक है जी। अब FCRA के बारे में ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे आप अटेंड कर सकते हो, और ये FCRA के बारे में क्वेश्चन है वो सारी चीज़ आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो CISF के बारे में, वुमेन ब्लड बटालियन है ना, जितनी भी वुमेन बटालियन उनको CISF में अप्रूवल दे दिया है। होम मिनिस्ट्री ने सारी जो वुमेन बटालियन हैं उनको CISF में अप्रूवल दे दिया है, ये है हमारा आर्टिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे CISF क्या होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये एक आर्म्ड फोर्स है, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आर्म्ड फोर्सेस है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसे इस्टाब्लिश किया गया था एक एक्ट के तहत, एक अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अधिनियम कौन सा था, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स CISF एक्ट था 1968 का, उसके तहत इसे स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो दिल्ली में है। हेड किसके द्वारा की जाती है, IPS रैंक का अधिकारी होता है उसके द्वारा इसे मतलब हेड किया जाता है, इसका हेड होता है वो IPS होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें भी ऐड की गई थी, जैसे ये चीज़ें आपको याद रखने की बात आवश्यकता नहीं है। ये जो 7 CAPF
आते हैं ना, उसके अंतर्गत उसमें एक शामिल है। CFEF में कौन कौन सी आती है, जैसे कि BSF आता है, अलग अलग प्रकार के आते हैं ना, TBPI होता है, तो उसमें ये भी शामिल है। तो 60 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आता है, उसमें CISF भी शामिल है। तो ये कुछ पॉइंट है CISF के बारे में, ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। ठीक है जी, ये देखो इसे 1968 में अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, मुख्यालय दिल्ली में है। 7 जो केंद्रीय सशस्त्र बल है उसमें ये शामिल है। इसका दायरा कौन कौन सी कंपनियां, पहले ये गवर्नमेंट कंपनियों पर तक शामिल था, अब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कंपनियों की ये देख रेख करता है। जो हमारे एयरपोर्ट होते हैं उन सबको देख रेख करते हैं, जो स्पेस में है वहाँ पर देख, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF की भी होती है। इनमें देखो BSF है, AR है, CISF है, CRPF है, ITBP है, NSG है, SSB है, ये सारे हैं। वो 7 है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि CAPF के अंतर्गत 7 पुलिस फोर्स आते हैं। कौन कौन से, AR, BSF, CISF, CRPF, ITBP और NSG और SSB, ये सारी चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, CAPF के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। CISF के बारे में हम देख चुके हैं, ये CIS स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। काम हमने देख लिया, पहले कम कर्मचारी थी, अभी इसमें कर्मचारी बढ़ा दिए गए हैं, और ये देख लो 188,000 इसमें कर्मचारी है। ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, हमने इसका संगठन देख लिया, इसका हेड कौन करता है, IPS रैंक का अधिकारी इसका हेड करता है। क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हवाई अड्डे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया वो देखते हैं, इनमें अलग से एक विंग बनी हुई है, जो भी फायर विंग बनी हुई है, ये सारी चीज़ें देखने का काम करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखने की दिक्कत नहीं है आपको। बंदरगाह है, बिजली संयंत्र है, परमाणु संयंत्र है, ये सब चीज़ें इनके अंतर्गत आती है। तो ये CISF के बारे में था, कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए, प्रीलिम में आ सकते हैं, और विमन वाला पॉइंट है वो आप मेंस में कहीं यूज़ कर सकते हो एज ए एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो COP 19 के बारे में। सबसे पहले COP 19, इसकी बैठक कहाँ हुई थी, इसकी बैठक हुई थी अज़रबैजान बाकू में। ठीक है, इसकी बैठक कहाँ हुई, अज़रबैजान बाकू में इसकी बैठक हुई है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट निकल के आए हैं, यहाँ एक टेम्परेचर की बात हुई, टेम्परेचर राइज हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कार्बन जो एमिशन है वो राइज देखने को मिल रहा है, वाटर का लेवल है वो राइज देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ हुई है, वो हुई है कार्बन मार्केट, यानी कि जो कार्बन है ना उसे क्रेडिट को ट्रेड किया जाता है, उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। जैसे कि क्या होता है कार्बन क्रेडिट ट्रेड, देखो ये है इंडिया, ठीक है ये है नेपाल। इंडिया में आपको पता है कार्बन का उत्सर्जन है वो ज़्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है और इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा है, तो यहाँ पर कार्बन का वो ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, मतलब कार्बन का जो भी है उत्सर्जन ज़्यादा होता है। नेपाल में ये कम चीज़ होगी। अब क्या है, इंडिया और नेपाल दोनों पर रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर कार्बन का कोई उत्सर्जन कहेगा तो उस पर दंड लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब इंडिया ने ज़्यादा कर दिया है, उसको ये चीज़ मैनेज करनी है, तो ये क्या करेगा, नेपाल को बोलेगा भाई तेरी लिमिट थी कि तेरे को 50% कार्बन का उत्सर्जन करना था, पर तूने कितना किया है, तूने 25% किया है, तेरे पास -25% पड़ा है, ये तू हमको बेच दे। मतलब नेपाल के पास में एक्स्ट्रा कार्बन पड़ा था, कार्बन का जो उत्सर्जन था उसकी जो वैलिडिटी थी एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो इंडिया ने कहा है तो ये जो कार्बन है ठीक है ये क्रेडिट हमें बेच दे, हम बदले में आपको पैसे दे देंगे। तो नेपाल के पास क्या आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। तो पैसे से नेपाल क्या करेगा, नेपाल के पास में और मोटिवेशन आएगा, भाई कैसे भी करके हमें है ना कार्बन का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। इंडिया है वो कार्बन नेपाल से खरीदेगा, तो इंडिया का भी टारगेट पूरा हो गया, नेपाल का भी टारगेट पूरा हो गया। इससे क्या होगा, नेपाल को मोटिवेशन मिलेगा, आगे से वो कार्बन का उत्सर्जन और कम करेगा, और इंडिया के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, बार बार दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है तो हमें भी कार्बन का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है कार्बन का क्रेडिट ट्रेड। ठीक है, इस प्रकार से वो कार्बन का ट्रेड होता है, तो इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अब देश है वो इस प्रकार से कार्बन का वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात थी और नॉर्मल सी बात है, आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है, एमिशन चाइना करता है, फिर US करता है, फिर इंडिया करता है, फिर EU करता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं फैक्ट, पर कैपिटा में भी चाइना ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बट आप याद रखो तो देख लो, नहीं रखो तो कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो IMEC के बारे में, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में। क्या ये कॉरिडोर कहाँ सा बनेगा, ये कॉरिडोर बनेगा इंडिया भारत से लेके यहाँ पे जाएगा UAE में, फिर जाएगा सऊदी अरेबिया में, फिर जाएगा इजराइल में, यहाँ से जाएगा यूरोप में और आगे जाएगा अमेरिका। यानी कि इंडिया को
ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, सॉरी हमारे जो पश्चिमी देश है ना, जो सऊदी अरब वगैरह, यहाँ से जोड़ते हुए ये यूरोप और अमेरिका तक जोड़ने के लिए एक अलग से रास्ता बनाया जा रहा है, जिसे ICMA कहा जा रहा है, सॉरी IMCA कहा जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना कि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका, इनको जोड़ने के लिए IMEC बनाया जा रहा है, IMEC बनाया जा रहा है। इसको पॉइंट को याद रखना। इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो भी चीज़ आपको याद रखनी है प्रीलिम के लिए। कौन कौन सी सिटीज़ आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीज़, ये प्रीलिम में कहीं घुमा फिरा के सवाल आ सकता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेड बचेगा, साथ ही साथ में जो अभी टाइम लग रहा है, अभी कहाँ से हम स्वेज कैनाल से होते हुए ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी टाइम बचेगा। देखो यहाँ से होते हुए हम ट्रेड कर रहे हैं, तो अब यहाँ से डायरेक्ट जाएगा तो हमारा वो टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, तो ये सारी चीज़ें वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये ट्रेड में काफ़ी टाइम बचेगा, हमारा जो ट्रेड वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी टाइम बचेगा। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि ये कॉरिडोर क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा ना। चलते हम कुछ आगे देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस हमने देख लिया है, कहाँ कहाँ जाएगा ये, पूर्व यूरोप से होते हुए आर्थिक गली आ रहा है, ये परिवर्तनकारी योजना है, और कौन कौन से देश शामिल है, इससे व्यापार बढ़ेगा। देश देखो, भारत है, सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड स्टेट है, और US है, यूरोपियन संघ है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारे देश शामिल है। और इसमें क्या होगा, भारत है वो खाड़ी से जोड़ेगा और नेटवर्क वगैरह ईजी हो जाएंगे, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी इसमें। देखो वे फॉरवर्ड में ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या अलग अलग प्रकार के बंदरगाह विकसित किए गए हैं, ये चीज़ें आप सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना, वे फॉरवर्ड। तो ये पूरा टॉपिक था, इससे संबंधित था, तो ये सिंपल सिंपल बातें लिख सकते हो, पूरा आंसर बन जाएगा। हमने इसका उद्देश्य देख लिया, बुनियादी ढांचे का विकसित करना है, ये सारी चीज़ें देख ली है, फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लिया है, और क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है। चैलेंजेस ये है कि अभी जो है ना इसराइल वगैरह वो देश है, वहाँ पर क्या चल रहा है, पश्चिमी देश है ना वेस्टर्न, वहाँ पर विरोध चल रहा है, इसराइल है ईरान के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पे अगर ये आगे बढ़ेगा तो दिक्कत देखने को मिल सकती है, तो ये सारे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ में वेस्टर्न कंट्री भी इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिल रही है, फाइनेंस को लेकर भी दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हांगकॉन्ग के बारे में, हांगकॉन्ग आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए, तो ये प्लेस एंड न्यूज़ से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। तो हांगकॉन्ग के बारे में बात करें तो हांगकॉन्ग है चाइना के एक पार्ट है, बट कुछ लोग इसे चाइना से अलग भी मानते हैं, लैंग्वेज भी चाइनीज़ है। तो ये कुछ पॉइंट है हांगकॉन्ग के बारे में, ये आप मैप में याद रखना कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए हांगकॉन्ग के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वी वी गिरी जी के बारे में, वी वी गिरी जी कौन थे, ये हमारे प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है जी। तो इसके बारे में, तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ट्रेड यूनियन को इन्होंने संगठित किया था, और काफ़ी स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने भूमिका निभाई थी, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, चौथे राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो वीवी गिरी जी के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करें तो नैनो ट्रांसपोर्टर के बारे में। अब नैनो ट्रांसपोर्टर क्या होता है, नैनो ट्रांसपोर्टर में क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर दवाई भेजनी होती है ना, हमारे जो सेल्स होते हैं वहाँ पर मेडिसिन पहुँचानी होती है, तो उसमें नैनो ट्रांसपोर्टर का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमारी दवाई में जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती है बहुत छोटी छोटी होती है, वहाँ पर तक दवाई पहुँचाने के लिए इन नैनो ट्रांसपोर्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो नैनो ट्रांसपोर्टर के बारे में ये सिंपल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नैनो ट्रांसपोर्टर होता है क्या है। तो नैनो ट्रांसपोर्टर का उपयोग है, वो हमारे शरीर में कोशिकाएँ होती है, तो कोशिका के भीतर दवाई पहुँचाने के लिए नैनो ट्रांसपोर्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सुबनसिरी रिवर के बारे में। सुबनसिरी रिवर क्यों न्यूज़ में आई है, न्यूज़ में इसलिए है कि यहाँ पर है ना 2000 मेगावाट का जो जल विद्युत परियोजना है ना वो चलाई जा रही है, वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में आई है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो ये है ना नॉर्थ ईस्ट की रिवर है, और इसे गोल्ड नदी के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय ये पार्ट है ना यहाँ से आती है। ये देखो ये भारत है, जैसा भी मैप बना सही नहीं बनेगा मेरे से भारत का मैप, बट आप ये देख लो ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, तो ये यहाँ से आती है सुबनसिरी रिवर, ठीक है। ये सुबनसिरी रिवर है, ट्रांस हिमालय रिवर है, तिब्बत की हिमालय माउंट पेरोम से होती हुई पश्चिमी भाग से निकलती है, अरुणाचल में मीरी पहाड़ियाँ वहाँ से होती भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो माजुली द्वीप है ना जो सबसे बड़ा द्वीप है एशिया का, वो माजुली द्वीप इसी के किनारे पर स्थित है, और ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, माजुली द्वीप है वो इसी के किनारे। ये सुबनसिरी रिवर के बारे में कुछ पॉइंट है आपको याद होना चाहिए। कुटुंब प्रबंधन के बारे में, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने कुटुंब शब्द का उपयोग किया था,
कुटुंब यानी परिवार के बारे में बात करता है। तो कुटुंब है वो परिवार से संबंधित है, और वसुधैव कुटुंबकम का आपने नाम सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, तो वो इसी से जुड़ा हुआ। तो ये कुटुंब शब्द का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, जमीन से एयर में हवा करने जो फायर करने वाले मिसाइल उससे संबंधित है। तो अभी DRDO ने लैंड टू एयर मिसाइल को परीक्षण किया है, मतलब लैंड जमीन से लेके एयर में ये परीक्षण करेगी, और ये एक क्रूज मिसाइल है। ये जो है ना मिसाइल, ये जो निर्भया क्रूज मिसाइल है उसकी जगह लेगी। 1000 किलोमीटर तक ये वॉर कर सकती है, मतलब इसकी दूरी है वो 1000 किलोमीटर तो हो सकती है। इसको लॉन्च है वो ग्राउंड लॉन्चर होता है ना, उससे लॉन्च किया जा सकता है। तो ये प्रकार की ग्राउंड से एयर में वार करने वाली मिसाइल है, ठीक है जी। ये कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है NFRA के बारे में। NFRA क्या है? नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में। तो NFRA ने भी क्या किया है, NFRA जो लेखा परीक्षक होते हैं ठीक है, अकाउंटेंट होते हैं ठीक है, कंट्रोलर जनरल होते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके लिए सिफारिश की है। तो ये NFRA के बारे में इसलिए सुर्खियों में आया। NFRA के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना 2018 में की गई है। कंपनी एक्ट है 2013 उसके तहत इसकी स्थापना की गई है, यानी कि ये एक स्टेचरी बॉडी एक्ट के द्वारा इसे बनाई गई थी ठीक है। भारत में ये सभी कोऑपरेटिव होते हैं ना, उनको रिपोर्टिंग करने का काम करते हैं, जितने भी कोऑपरेट होते हैं उनको रिपोर्ट करने का काम है वो NFRA करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। ये लेखांकन है, लेखा परीक्षक होते हैं, कंट्रोलर जनरल होते हैं, उनके देखभाल करना, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करने का काम है वो NFRA द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो इसमें कुछ ज़्यादा डेटा दे रखा है, डेटा आपके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये उससे संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे थे, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट आर्टिकल है वो रशिया के बारे में। ये रशिया का मैप आप याद रखना ठीक है। रशिया की बाउंड्री कौन कौन से देशों से लगती है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके नॉर्वे है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुविया, पोलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया, अजरबैजान, इन देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रशिया की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है ठीक है। तो कौन कौन से देश है, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, पोलैंड, बेलारूस, फिर यूक्रेन है, जॉर्जिया, अजरबैजान, इन देशों से रशिया की बाउंड्री लगती है। फिर लाटविया, लिथुनिया, पोलैंड से इनकी है ना रशिया का, ये जो एरिया है ना कालिद ओलबोस्ट, इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से जो समंदर है उससे रशिया की सीमा लगती है, तो अंटार्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, इससे इसकी बाउंड्री लगती है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यूराल माउंटेन है वो रशिया और एशिया के बीच में, रशिया और यूरोप के बीच में यूराल माउंटेन है। एल्ब्रस है वो रशिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर वोल्गा है, ओब है, ये बड़ी बड़ी रिवर वो यहीं से फ्लो होती है ठीक है। कहीं बेकाल है, बेकाल जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो रशिया में ही है। और जब इसके बारे में स्टेट के बारे में बात करें, जलरुमध्य के बारे में, तो बोरिंग स्टेट है, बेरिंग स्टेट, वो रशिया और अलास्का के बीच में है, वो रशिया और अलास्का के बीच में, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। बाल्टिक सी है, कैस्पियन सी है, ये भी रशिया के बाउंड्री मिलाते हैं, ब्लैक सी है, तो ये भी थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।